भाई चल जा चल जा चल जा भैया चल जा। क्या हो गया आज, इसमें क्या हो गया पता नहीं, बहुत देर से हैंग पड़ा। वो सारे इधर हैंग को आइए जल्दी। अबे क्या? आज इतनी देर से अटका पड़ा, पता नहीं क्या हो गया इसमें। आइए जरा इधर को देखिए जरा, अच्छा क्या हो गया इसमें, हैंग हो रहा बहुत। कहाँ से लिया था यो? भैया मैंने इसे ले लिया था कि उस दुकानदार ने मुझे बताया नहीं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए इसमें। अच्छा तो पहले वही तुझको वो करना था ना, सर्च यूट्यूब पे कौन सा बढ़िया लैपटॉप है या कौन सा कंप्यूटर है। अब देखो जैसे ये बता रहा है लड़का। दोस्तों ये प्रॉब्लम ना आपके साथ भी हो सकती है अगर आप भी बिना इन्फॉर्मेशन के ऐसे ही पीसी लेने के लिए चले जाते हैं दुकान पर, जैसे कि इन भाई के साथ हुआ है। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है, मेरा नाम है सारिब और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट लैपटॉप या पीसी या कंप्यूटर हो सकता है जो आप अपने लिए अपनी फील्ड के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग या मोशन ग्राफिक्स या 3D वर्क के लिए यूज़ करना चाहते हो। दोस्तों ये वीडियो मैं बजट के लिए नहीं बना रहा हूँ, अगर आपका 30,000 का बजट है या 50,000 का बजट है या 1,00,000 का बजट है तो वो छोड़ देना, आप फोकस करना कि आपको प्रोसेसर ये सब आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो बजट का मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, बस 60,000 से ऊपर का इसमें बताऊंगा, बजट थोड़ा सा हाई है लेकिन जो आपको काम की चीज़ें है ना, जो प्रोडक्टिविटी है वो इन सिस्टम से ज़्यादा मिलेगी। जो मेरा सिस्टम है वो लैपटॉप है, एक गेमिंग लैपटॉप है, इसको मुझे हो गए कम से कम 1.5 साल। इसमें मैं चलाता हूँ इंटेल i7 10th जनरेशन और इसमें ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया का 1650 Ti एंड इसमें रैम है 16 GB जिसको मैं 32 GB तक अपग्रेड कर सकता हूँ। फिर उसी के साथ साथ SSD भी है और HDD भी है, तो इसमें दोनों ही ड्राइव इनबिल्ड है जो कि सिस्टम के साथ आई है, SSD और HDD। और इसकी मैं प्राइस आपको बता दूँ, ये जो मैंने खरीदा था कम से कम 1.5 साल पहले तो ये मुझे पड़ा था सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपये का, 1,00,000 से 1,000 रुपये ज़्यादा थे जो कि माउस या कीबोर्ड के थे। तो बेसिकली ये मुझको 1,00,000 का पड़ा था लेकिन मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है क्योंकि इस सिस्टम से मेरा जो काम है, जो मेरी मतलब जो लगा हुए सिस्टम वो और ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें वेटिंग नहीं करना पड़ता, ना लैग का इशू ना कुछ भी, जितना भारी भी सॉफ्टवेयर मैं चलाऊँ वो इसमें चला सकता हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कुछ स्पेसिफिकेशन और लैपटॉप की जानकारी जो आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके मतलब सिस्टम से लगाव जो होता है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि यूट्यूब इस वीडियो को रिकमेंड कर सके आगे लोगों को। दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ विंडोज बेस्ड पीसी के लिए, अगर आपका प्लान है एप्पल के प्रोडक्ट लेने का तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसका मैं नुकसान बता दूँ आपको, नुकसान भी है फ़ायदे भी है। तो नुकसान ये है कि आप उसमें कोई वैसे वाले ऐप नहीं चला सकते, ना कि कोई चीज़ डाउनलोड कर सकते वैसी वाली, मतलब समझ रहे हैं ना। तो अगर वैसी चीज़ आप करने की कोशिश करोगे जो आपका एप्पल का प्रोडक्ट है वो ख़राब हो सकता है, ऐसे मेरे एक दोस्त ने कहा था, वो अपनी लाइफ में सिर्फ मैकबुक ही चलाता है, उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी। तो विंडोज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं और मैं भी वही चलाता हूँ एंड सबका अलग अलग हिसाब होता है, तो आपका अगर विंडोज़ अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए एंड मैं अपनी तरफ से भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट लैपटॉप हो सकता है, लैपटॉप या कंप्यूटर। तो चलिए हम बेसिक चीज़ें देखते हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर अब दो तरीके के आ गए हैं, दो कंपनी के, एक होता है AMD Ryzen और एक होता है इंटेल। तो इंटेल में देखा जाए तो कम से कम 4 प्रोसेसर आ चुके हैं, i3, i5, i7, i9 और AMD में आ गए हैं Ryzen 5 और Ryzen 7। तो बात करते हैं इंटेल की। इंटेल में 4 प्रोसेसर है जैसे कि मैंने बताया, तो इसमें हमको ध्यान देना है सिर्फ i7 पर और i9। तो ये दोनों आप अपने माइंड में डाल लो, i7, i9। अब इन इंटेल में जनरेशन भी आती है, जनरेशन जैसे हो गई 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10th जनरेशन। तो आपको कौन सा जनरेशन लेना है, 10th जनरेशन से ऊपर लेना है। AMD Ryzen में Ryzen 7 आपको देखना है, जो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा Ryzen 7। Ryzen 5 पे भी नहीं जाना, Ryzen 7 पर जाना हमको। और अब बात करते हैं रैम की। अगर आप कोई अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जैसे हो गए सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, भारी भारी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं 3D के लिए, एनिमेशन के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए, तो उसमें मिनिमम रैम हमको होनी चाहिए कम से कम 8 GB से ऊपर। अभी जो मेरा लैपटॉप है उसमें कितनी है पता है, 16 GB है। और 16 GB ये भी मुझे कभी कभी कम लगती है जब मैं इनमें कई सारे सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ एक साथ, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, इलस्ट्रेटर, सिनेमा 4D,
ब्लेंडर, ये जब सारी चीज़ें खुल जाती हैं तो थोड़ा इसमें लोड बढ़ जाता है, लेकिन क्या है कि 16 GB बहुत है, ये लोड संभाल लेती है। तो मिनिमम जो होगा रैम वो होगा 8 GB। और रैम का मैं आपको बता दूं, रैम भी कई तरह की आने लगी है, जो अब बहुत बढ़िया रैम आती है वो है DDR4 की मेरी सजेशन में। तो रैम का ये नहीं कि आप 16 GB ही लो, बस ये देख लो आप जो सा भी सिस्टम ले रहे हो या कंप्यूटर ले रहे हो उसमें अपग्रेड का ऑप्शन हो। अगर आप 8 GB वाला भी कोई सिस्टम ले रहे हो ना तो उसमें देख लेना कि अब तो कितने मतलब इसमें रैम बढ़ सकती है। जैसे कि मैंने अभी ये 16 GB का है मेरा लैपटॉप, लेकिन इसमें मैं 32 GB तक बढ़ा सकता हूँ रैम। और अब बात करते हैं कि हम SSD ले या HSD जो कि वो पुरानी है, और SSD अब जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, और जो कि होती है एक सॉलिड ड्राइव जो जहाँ पर आपकी फाइलें इकट्ठा होती है, फोटोज़ फाइल्स सॉफ्टवेयर सब ये चलते हैं, विंडोज़ चलती है उस पर। तो अब जो लेटेस्ट वाली आई है ना SSD, ये सबसे बेस्ट है और इसका जो रनिंग परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट है SSD से। तो आप क्या करना, SSD का लेना और उसमें अपनी हार्ड ड्राइव तो अलग से ले ही लेते हैं, जैसे अमेजोन पर मिल जाती है SSD 1 TB 1 TB। और अब आते हैं हम ग्राफिक कार्ड पे। तो ग्राफिक कार्ड जो होते हैं NVIDIA का सबसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड होते हैं, NVIDIA का मेरे पास भी जो कि 1650 Ti, और अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मतलब पुराना हो गया है, अब कई सारे लेटेस्ट वाले आ गए हैं ग्राफिक कार्ड भी। तो मैं अब जो सजेशन करने वाला हूँ आपको लैपटॉप के, तो वो ग्राफिक कार्ड से हाई मतलब लेटेस्ट वाले ग्राफिक कार्ड हो गए उसमें। और जो ग्राफिक कार्ड होता है ना तो वो सबसे बेस्ट होता है गेमिंग के लिए, एंड अगर आप कोई 3D वर्क कर रहे हो या कोई डिजाइनिंग कर रहे हो तो उसमें भी बेस्ट रहता है ग्राफिक कार्ड, तो आपको ग्राफिक कार्ड भी लेना चाहिए। दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ लैपटॉप जो मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अभी क्या चल रहा है अमेजोन पे, जो जैसे कि आपको पता है अगर आप इंडिया में हो तो यहाँ पर कुछ फेस्टिवल है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफर चलते रहते हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो जो हमारा पहला लैपटॉप है तो ये ASUS TUF Gaming A15 है, जिसमें आपको मिलता है Ryzen 7 प्रोसेसर जो कि सबसे बेस्ट है, एंड यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है NVIDIA की तरफ से जो कि होगा 3050, एंड ये सबसे बेस्ट है। मेरा तो जो है वो 1650 Ti है और उससे ज़्यादा ये 3050। और यहाँ पर आपको रैम मिलती है सिर्फ 8 GB, बट इसको क्या है कि आप 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो अगर आपको करना है तो ये आप कर सकते हो। फिर उसी के साथ साथ आपको मिल रहा है SSD 512 GB, SSD को भी आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर अपग्रेड नहीं करना चाहते तो आप क्या करना, 1000 या 2000 रुपए की एक SSD ड्राइव ले लेना, एंड इसका प्राइस जो है जो अभी चल रहा है, जो इस टाइम चल रहा है मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर बाद में कुछ हाई हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो 67,000 रुपए का चल रहा है। जैसे कि आप इसका रियल प्राइस देख सकते हैं, फेस्टिवल चल रहा है ये 67,000 यानी 67,000 रुपीज का ये आपको पड़ जाएगा। तो आप ये परचेस करते हैं, सबसे बेस्ट है, मैंने पूरी जानकारी कर ली है इसकी। तो अब जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है MSI की तरफ से, इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है i7 11th generation, मैंने जो आपको रिकमेंड किया था 10th generation, बट ये उससे भी ऊपर है 11th generation, तो सबसे बेस्ट है, एंड 8 GB यहाँ पर आपको रैम मिल रही है जिसको आप 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, एंड उसी के साथ साथ आपको 512 GB मिल रहा है, एंड इसका भी प्राइस जो है वो सेम है लगभग हमारे पहले वाले लैपटॉप के जैसा 67,000 रुपये। तो ये आप परचेस कर सकते हैं। फिर उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर Lenovo का। तो Lenovo का एक गेमिंग लैपटॉप है, एंड जितने भी मैं बता रहा हूँ गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग क्या है कि गेमिंग के लिए नहीं है, ये क्रिएटर के लिए होते हैं। तो आप सोच रहे हैं गेमिंग है तो गेमिंग ही करेंगे, नहीं, ये मतलब हर चीज़ के लिए, 3D वर्क अगर आप करेंगे 3D के लिए भी है, क्योंकि ये गेमिंग है तो इसमें बेसिकली हाई परफॉर्मेंस के लिए इन्हें बनाया है, तो उसका हाई परफॉर्मेंस को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग में करें या क्रिएशन में करें। तो Lenovo ID पैड देखते हैं हम यहाँ पर, AMD Ryzen 7 प्रोसेसर आपको मिल रहा है जो कि बेस्ट चल रहा है इन दिनों, एंड उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 16 GB रैम मिल रही है जिसको आप 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पर SSD मिल रही है 512 GB, एंड 4 GB NVIDIA ग्राफिक कार्ड मिल रहा है 1650, एंड जितने भी मैं लैपटॉप बता रहा हूँ उनमें सभी में NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, तो अगर मैं कहीं भूल गया तो उसमें माइंड मत देना, आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, एंड ये आपको पड़ेगा कुछ 80,000 रुपये के करीब। मुझे पता है बजट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए है, आपको डबल खर्चा नहीं करना होगा। अगर आपने ये ख़रीद लिया तो आपको कम से कम मेरी तो 5 से 6 साल या मतलब लाइफ में इसमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं Lenovo का ही एक और है, इसमें क्या डिफरेंस हो गया, सब प्रोसेसर सेम है बट इसमें एक चीज़ है जो कि NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, वो यहाँ पर
3050 हो गया है, पहले जो हमारा था वो था 1650, यहाँ पर 3050 हो गया है एंड उसका प्राइस हो गया 84,000 रुपये। जितना प्रोसेसर हाई होगा आपके लिए बेस्ट होगा। एंड फिर हम आते हैं फ्लिपकार्ट पर, तो ये मैं सजेशन कर रहा हूँ आपको ऑनलाइन, बट आपको क्या करना है ऑफलाइन जाना है अपने नज़दीकी एरिया में और वहाँ पर आपको ऑफलाइन परचेज करना है अगर हो सके तो। फिर आते हैं हम फ्लिपकार्ट पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले Asus ROG Strix G15 Ryzen 7। तो Ryzen 7 जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट है और यहाँ पर 8GB आपको रैम मिलती है जिसको हम 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ हमको SSD मिलती है और यहाँ पर 4GB ग्राफिक कार्ड मिलता है NVIDIA की तरफ से, 3050 बेस्ट है। एंड यहाँ पर ये गेमिंग लैपटॉप है तो बेसिकली 75,000 रुपीज का आपको पड़ेगा। तो ये मुझे पहले नहीं दिखा था वरना तो मैं इसको ले लेता। और इसमें जो प्रोसेसर इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें सबसे बेस्ट दिख रही है मुझे, तो आप बिल्कुल भी बेझिझक रहना, खरीद के डाल देना अगर आपके बजट में है तो। और फिर हम चलते हैं एक और विंडो की तरफ और यहाँ पर हमको लेनोवा का देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दिया पहले, मैं किसी लेनोवा का नहीं बता रहा हूँ, एसुस का नहीं बता रहा हूँ, मैं MSI का नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोसेसर की जाँच करके तब बता रहा हूँ जितने भी लैपटॉप मुझे हाई परफॉर्मेंस में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे एक और हाई परफॉर्मेंस में दिखा था जो कि लेनोवा की तरफ से था और इसमें i7 10th जनरेशन प्रोसेसर था, बेस्ट है। एंड 8GB यहाँ पर रैम मिलती है जो कि जिसको हम जैसे कि आपको बताया इन गेमिंग लैपटॉप में हम कम से कम भी नहीं तो 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ हमको SSD मिलती है 512GB, विंडोज 10 4GB ग्राफिक कार्ड्स मिलता है, NVIDIA का GTX 1650 एंड इसको हम गेमिंग लैपटॉप कहेंगे और ये आपको पड़ेगा 60,000 रुपये करीब। तो सबसे सस्ता मुझे ये दिख रहा है एंड इसकी परफॉर्मेंस भी जो इन्फॉर्मेशन है इसकी सबसे बेस्ट लग रही है जो कि लगभग मेरे लैपटॉप की जैसी है। मेरा जो है लैपटॉप वो NVIDIA का RTX 1650 Ti है, तो ये 1650 है। बस यही इतना ही है और ये आपको अगर परचेस करने में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख लेना और अगर आपको अच्छा लगे तो परचेज कर लेना। तो जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया है, प्रोसेसर हमको चूज़ करना है i7 से ऊपर ऊपर, Ryzen में Ryzen 7 से ऊपर ऊपर, एंड उसमें हमको रैम देखनी है 8GB से ऊपर जिसको हम 32GB तक अपग्रेड कर सकें और ग्राफिक कार्ड देना है NVIDIA का 1650 से ऊपर ऊपर, 1650 से ऊपर नीचे नहीं। एंड SSD हमको देखनी है, SSD HHD ना हो चल जाएगा लेकिन SSD होनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप नहीं कंप्यूटर खरीदना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर में भी ये चीज़ आप ध्यान में रखना, i7 प्रोसेसर ही जितने भी मैंने बताया है कंप्यूटर में आप लगा सकते हैं, अगर आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो लैपटॉप ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड लाइक कर देना।